हाय गाइस, तो यार आज ना हम रोटी से बनाएंगे इतने यमी टैकोस। मतलब थोड़ा वियर्ड है ना, रोटी से टैकोस कैसे बनते हैं, और वो भी बची हुई रोटी से। मतलब ये ना एक काम चलाऊ डिश है जो कोई भी बना सकता है घर पे। तो इसके लिए हमें बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैं आपको तीन टाइप के बनाना सिखा रही हूँ, आप कोई सा भी बना सकते हो। तो सबसे पहले हम ले लेंगे आलू बॉयल्ड, उसको मैश कर लेंगे। उसमें डाल लेंगे चिली फ्लेक्स, मैगी मसाला, ओरिगानो, शीजवान चटनी और थोड़ी सी डालेंगे मेयोनीज। ठीक है, इसको हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसकी ना एक स्टफिंग रेडी कर लेंगे। तो ये तो हमारी बन गई स्टफिंग, जो हमारे टैकोस में अंदर फिलिंग मतलब लगाएंगे ना, वो वाली स्टफिंग रेडी हो गई। ये ना बहुत ही टैंगी और बहुत ही यमी लगता है। अब हम बनाएंगे एलपिनोज, घर पे काम चलाऊ। तो हम ले लेंगे मिर्ची, वो मैंने थोड़े डिजाइन में काटी है। उसमें डालेंगे वाइट विनेगर और नमक और इसको कर देंगे सोक, रख देंगे 5-10 मिनट के लिए। अब इसके लिए हम काटेंगे प्याज, जो कि बहुत ही पतली पतली सी छल्लेदार प्याज हम खाते हैं ना, सिरके वाली जो दाल मखनी और नान के साथ आती है, वो वाली प्याज हम घर में काटने वाले हैं, क्योंकि इसके ऊपर वो हमें डालनी होती है, बहुत ही यम्मी लगती है। तो बस जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही आपको प्याज काटनी है। प्याज तो ना आप कैसे भी काट सकते हो, बट जो अब करने वाली हूँ ना वो करना है। इसको ना हाथ से ना पूरा खोल देना, ताकि ना ये बिल्कुल सिंगल सिंगल पीस हो जाए, फिर ना खाने में ना अच्छी सी क्रंची सी फ्लेवर आता है। तो ऐसे कर देना। अब मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। ये है हमारी आलू की स्टफिंग, रोटी, प्याज, चीज़, मोजरेला लिया है मैंने, एलपिनोज वाला विनेगर और धनिया। ठीक है, और इसके अलावा हमें चाहिए सॉसेस, जो अंदर आप अपने मनपसंद लगा सकते हो। तो पहले हम बनाते हैं पिज़्ज़ा वाला टाको। तो सबसे पहले हम ले लेंगे एक रोटी और उस पर लगा लेंगे पिज़्ज़ा सॉस। हर कोने में ना आपको अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगानी है, जैसे मैं लगा रही हूँ, भर भर के लगाना। ठीक है, और बस ये हमारी लग गई है अच्छे से, और ये देखो अच्छे से लग गई। आप इसकी जगह केचप लगा सकते हो, शेजवान लगा सकते हो, कुछ भी। अब हम इस पर रखेंगे एक साइड मोजरेला चीज़। ये देखो ऐसे भर दो अच्छे से चीज़ से, क्योंकि बच्चों को चीज़ बहुत पसंद होती है, मुझे भी बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं भी थोड़ी ज़्यादा ही रखूँगी। अब इसके ऊपर हम रखेंगे आलू का जो हमने स्टफिंग तैयार की है वो। ये देखो ऐसे करके अच्छे से रख देंगे, एक ही साइड रखना है क्योंकि एक साइड से हमें कवर करना है। इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और प्याज जो हमने बना के रखी थी ऑलरेडी, वो डाल देंगे। अच्छे से भर दो प्याज और धनिया से, बहुत अच्छा क्रंच आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब हम इसमें डाल देंगे अपने एलपिनोज, जो कि बहुत ही विनेगर में टांगी हो गए हैं, वो वाले। मैंने ना थोड़ी सी और चीज़ डाल दी क्योंकि मुझे चीज़ बहुत पसंद है। फिर मैंने डाला थोड़ा सा ओरिगानो, और बस इसको प्रेस करके रोटी को ना हम उस साइड से फोल्ड कर देंगे, और बस हमारा फर्स्ट टैको रेडी। अब बस इसे क्रिस्पी क्रिस्पी सेकना है। पहले ना ऐसा करते हैं, सारे टैकोस बना लेते हैं फिर सेकेंगे, पहले सारे बना के रख लेते हैं। हमने ले लिया दूसरी रोटी, अब हम इस पर लगा रहे हैं गार्लिक मेयोनीज। आप कोई सी भी मेयो लगा सकते हो, कोई सी भी डिप लगा सकते हो, कुछ भी अपनी फेवरेट। मैंने इस पर मेयो लगाई है। अब हम दोबारा से करेंगे स्टेप्स रिपीट। सबसे पहले मैंने डाल दिया मोजरेला चीज़ भर के अच्छे से, फिर मैंने डाल दिया इस पर आलू की स्टफिंग, धनिया, प्याज। ठीक है, ऐसे ही आप मनपसंद अपने कुछ भी स्टफिंग डाल सकते हो। आप इसमें पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, फिर वही एलपिनोज और ओरिगानो डाल के इसको भी हमने कर लिया अच्छे से कवर, और ये वाला टैको भी हो गया हमारा रेडी। तो बस अब हमारा बचा है थर्ड टैको, और वो भी लास्ट और बहुत ही यमी वाला और मेरा फेवरेट वाला। तो ये हम बनाना है प्रॉपर चीज़ का। इसके लिए हम लेंगे रोटी और उस पर लगाएंगे स्प्रेड चीज़। इसको लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम हुई, बट हाँ लग गई थी, और इसका इतना ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर था ना, ट्रस्ट मी, ये वाला सबसे बेस्ट था। तो ये वाला तो ज़रूरी ट्राई करना, और पिज़्ज़ा वाला भी अच्छा था। ठीक है, स्प्रेड चीज़ को अच्छे से स्प्रेड कर लो, और फिर इसमें मैंने वही भर के डाली मोज़रेला चीज़। ठीक है, मैंने इसमें पहले नीचे भी प्याज डाली है थोड़ी सी, फिर मैंने इसमें डाली आलू का मिक्सचर अच्छे से भर भर के, आलू बाहर आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, ये देखो मैंने इसमें डाल दिया आलू, एलपिनोज भी डाल दिए, प्याज और डाल दी, और बस धनिया पत्ती वगैरह और ओरिगैनो वगैरह सब डाल दिया, और इसको भी कर दिया अच्छे से फोल्ड। देखो इसकी ना जो सारी स्टफिंग बाहर आती है ना, वो उंगली से प्रेस प्रेस करके अच्छे से ना अंदर अंदर कर लेना, नहीं तो आधी स्टफिंग तो ऐसी प्लेट में गिर जाएगी। और बस हमारे तीनों टैकोस जो हैं वो रेडी हो गए सिकने के लिए।
तवे पे हम ले लेंगे बटर, सरसों के तेल में ना रिफाइंड ऑयल में प्रेफर नहीं करती क्योंकि ना उसकी स्मेल आती है, बटर तो इसके साथ बहुत ही बढ़िया लगता है और इतना ज़्यादा क्रिस्पी हो जाता है, इतना ज़्यादा क्रिस्प टेक्सचर हो जाता है, बिल्कुल मार्केट वाले टैकोज लगेंगे आपको। आप चाहो तो इन्हें बेक भी कर सकते हो बटर लगा के, बट मैंने इनको तवे पे प्रेफर किया क्योंकि उससे मुझे बहुत ही यमी लगते हैं। बस हल्के से बटर में इसको दोनों साइड से हम क्रिस्पी क्रिस्पी करके टॉस कर लेंगे। ये देखो ऐसे मैं आपको दो करके दिखा रही हूँ, मैंने एक अभी रखा है, इसके बाद एक और रख रही हूँ। ऐसे करके हम इन्हें टॉस कर लेंगे बटर में अच्छे से ना। बटर थोड़ा ज़्यादा डाल देना क्योंकि चीज़ के साथ बटर ना बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है, मतलब क्या बोलते हैं उसे, मतलब बेस्ट कॉम्बिनेशन कहते हैं ना जिसे चीज़ और बटर का। आई नो थोड़ा फैटी हो जाता है बट हाँ बाहर के खाने से बहुत बेटर है, ठीक है, और हाइजीनिक है, तो ज़रूर ट्राई करना। और आप इसे बच्चों के टिफ़िन में दे सकते हो, उन्हें इवनिंग स्नैक के लिए दे सकते हो, कहीं से बाहर से आए हो, आलू की सब्जी बनी हुई है और रोटी बनी हुई है पर सब्जी खाने का मन नहीं है, तो ऐसे खाना आपको एक चाइनीज़ एक अच्छी सी रेसिपी भी मिल जाएगी और खाने में मज़ा भी आ जाएगा। ये देखो टैकोस को मैंने तीनों साइड से कर लिया क्रिस्पी, अब हम इसे करेंगे प्लेट में लेके कट। मैं आपको कट करके दिखाती हूँ इसे। ये देखो मैंने ले लिए हैं अपने टैकोस, मैंने आपको दिखा दिए हैं कितने क्रिस्पी बने, कितने अच्छे बने हैं, और मैं आपको दिखाती हूँ एक एक तो ज़्यादा हो जाएगा, आधा आधा करके खा लेते हैं। ये देखो इसे हम आधा आधा कर देंगे, कितने इवनली कट हो जाएगा, कुछ स्प्रेड नहीं होगा, कुछ निकलेगा नहीं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। अगर ये सॉगी होते तो ये ऐसे कट नहीं होते, आप ये देख के पता चल रहा है कि ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं। ये देखो हमारे तीनों जो हमारे टैकोस हैं वो मैंने अच्छे से कट कर लिए हैं और इसको केचप के साथ खाना। बस सब्सक्राइब कर दो फटाफट।